गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज मैथ में आपको प्रतिशत पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ोगे? प्रतिशत। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज, कभी कभी शॉर्ट में उसको परसेंट भी कह देते हैं। अब अगर हम प्रतिशत शब्द की टर्मिनोलॉजी को समझें तो इसमें दो पद छिपे हुए हैं। पहला है प्रति और दूसरा है सत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और सत का मतलब होता है सौ, हंड्रेड वाला, ठीक है। इसी तरीके से परसेंट में भी पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है सौ। तो जरूरत क्यों हुई हमको प्रतिशत पढ़ने की गणित में? जब हम किसी अनुपात को प्रत्येक सौ पर गणना करें, कितने पर गणना करें? सौ पर। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 1000 में से 500 नंबर किसी को मिले हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं कितने पर? 1000 पर। कितने पर बात कर रहे हैं? लेकिन अगर हम यही बात करने लगे, 500 नंबर मिले हैं कितने में? 1000 में। अभी हम बात कर रहे हैं कितने पर? 1000 पर। लेकिन अगर हम बात करने लगे कितने पर? 100 पर। कितने पर? 100। तो ये हो जाएगा 50/100, मतलब 100 में से 50। भाई 1000 में से 500 भी आधा है और 100 में से 50 भी क्या है? आधा है। तो जब हम बात करने लगे 100 पर तो उसी को कहते हैं प्रतिशत। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 50 और ऐसे एक निशान बना रहेगा जिसे कहेंगे प्रतिशत। क्या कहेंगे? ये तो हो गया कि 1000 में से हम बात कर लेते। अगर मान लीजिए हम बात ये भी कर लेते कि 600 में से 300, इसको भी अगर हम प्रत्येक 100 पर बात करें, कितने पर? 100, 200, 300, 400, 500, 500 मतलब पचवा, ठीक है, और ये छठ हुआ, 600 हुए। हर 100 में से हम 50-50 ले लें, कितना कितना ले लें? 50-50। तो अगर इसमें से हम 50 लेते हैं, इसमें से भी 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 50 लेते हैं, तो क्या मिला हमको? 50-50-50-50-50-50। 600 में से यहाँ पे 50 रहेगा, 600 में से 300, इसका मतलब कि हर 100 में से कितना है? 50 है। 600 में से 300, इसका मतलब ये हो गया कि हर 100 में से कितना? 50। भाई 600 है, 600 में से 300 उसका आधा हो गया ना। तो अगर 100-100 में से सबका आधा कर लिया जाए, 100-100 में से सबका आधा कर लिया जाए तो 50-50 हो जाएगा ना। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? 50% कहेंगे। तो चाहे आपको 600 में से 300 निकालना हो, चाहे 1000 में से 500 निकालना हो, लेकिन प्रतिशत में दोनों को एक ही कहा जाएगा कि 50% है। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग अनुपात को भी, ये अनुपात था 1000 में से 500, ये अनुपात था 600 में से 300, अलग अलग अनुपात को एक ही प्रतिशत में भी दिखाया जा सकता है। भाई 1000 में से 500, 600 में से 300, 500 में से 250, 200 में से 100, 400 में से 200, लेकिन सब का जब तुम प्रतिशत निकालोगे तो सब में क्या आएगा? 50%। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुपात को प्रतिशत में बदला जाता है, इसमें है ना। बस ये किया जाता है कि जो प्रतिशत है वो क्या है? प्रत्येक 100 पर है, है ना। तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत अनुपात को प्रत्येक 100 पर लिखने का एक तरीका है। प्रतिशत क्या है? अनुपात को, अनुपात को किसमें? अनुपात को प्रत्येक 100 में लिखने
का तरीका है। क्या है? कोई भी अनुपात होगा उसको आप प्रत्येक 100 में कितना है अगर इस हिसाब से लिखोगे तो उसी को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। ये बात समझ में आई? अनुपात को प्रत्येक 100 में लिखने का ही तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और किसी का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो जानते हैं। ठीक, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात करें? बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इसी से आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20%, तो कुछ नहीं करना है, कितने का हम निकाल रहे हैं? 200 का कितने प्रतिशत? 20%, 20 से गुणा होगा। अब प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, तो प्रति का मतलब ये बिठा लेना दिमाग में कि बटे में 100 जाएगा, बटे में कितना जाएगा? अब क्या करोगे, ऐसे ही काट दो, इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो, 1 से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा 2 × 20 और गुणा करोगे 20 × 40, मतलब 200 का 20% जो होगा वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40 आएगा, कितना आएगा? 40. मतलब 200 में से अगर 20%, 20% का मतलब ये हो गया कि 200 में से अगर आपको 40 नंबर मिले होंगे, कितने मिले होंगे? 200 में से अगर आपको 40 नंबर मिले हैं तो समझ लीजिए कि आप 20% ही नंबर पाए हो। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन एक और देखो इसी तरीके का। 500 में से 25% कितना होगा? अब 500 का जो है 25%, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, 500 × कितना? 25/100 आ जाएगा, 5 × 25, 25 × 125, मतलब 500 का जो 25% होगा वो कितना होगा? 125 होगा। बात समझ गए? अब इसके आगे और बताते हैं आपको।